आज अपने बात करेंगे हैवी मेनेस्ट्रल ब्लीडिंग और मेनेस्ट्रल पेन के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि लेडीज़ के अंदर होने वाली मेन समस्या हैवी मेनेस्ट्रल ब्लीडिंग और मेनेस्ट्रल पेन, जिसके कारण लेडीज़ काफ़ी परेशान रहती हैं। और हैवी मेनेस्ट्रल ब्लीडिंग को मेनोरेजिया बोलते हैं। मेनोरेजिया वैसे नॉर्मल जो मेनेस्ट्रल पीरियड है वो 4 से 5 दिन का होता है, और उसके अंदर नॉर्मली 25 to 80 ml ब्लड रिलीज होता है। लेकिन मेनोरेजिया के अंदर क्या होता है कि अगर पीरियड मोर देन 7 डेज है तो, और ब्लीडिंग मोर देन 80 ml अगर सीक्रेट हो रहा है ब्लड तो, और अगर सैनिटरी पैड, एक सैनिटरी पैड पर आर चेंज करना पड़ रहा है तो अपने उसे बोलेंगे कि इसे मेनोरेजिया, मतलब हैवी ब्लीडिंग है और मेनेस्ट्रल पेन की समस्या है। ये दोनों ही दिक्कत बहुत ही परेशानीदायक है और पूरे पीरियड में लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है और जिनको सेफली आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इससे पहले, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं इन कारणों की बात कर लेता हूँ कि हैवी मेनेस्ट्रल ब्लीडिंग होने के कारण क्या हैं। पहला जो सबसे बड़ा कारण है कि ओवेरियन एंडोक्राइन डिसऑर्डर कुछ हो, या ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर हो गया हो, जिसमें ब्लड कोगुलेट नहीं हो रहा हो, क्लॉट नहीं बन रहा हो, या कुछ आप ऐसी कुछ मेडिसिन ले रहे हो एंटीकोगुलेशन मेडिसिन जिसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा हो, या नॉर्मली कई बार देखा गया है कि एक्सेस एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन की कंडीशन में भी लेडीज़ के अंदर हैवी मेनेस्ट्रल ब्लीडिंग पाई गई है, और एंड्रोमेट्रियल इन्फेक्शन होने के कारण भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हैवी मेनेस्ट्रल ब्लीडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो मैंने बताया कि मेनेस्ट्रल ब्लीडिंग होती क्या है और कैसे पता चलेगा कि हैवी टाइप की है, और इसका इलाज मार्केट में कई तरीके के ट्रीटमेंट मेडिसिन अवेलेबल हैं। इसी में से कुछ मैं मेडिसिन आपको यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर सबसे अच्छी मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो ये है टेक्साकाइंड एमएफ। ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि मैनकाइंड अच्छी कंपनी है, मार्केट में काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट अवेलेबल है मैनकाइंड के, और इस बॉक्स के अंदर 4x10 की स्ट्रिप आती है ये, और एक स्ट्रिप के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें इसका अप्रोक्सीमेटली 190 रुपये स्ट्रिप का रेट है, मतलब 19-20 रुपये के आसपास आपको एक टेबलेट की कॉस्ट पड़ेगी। इसमें अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ट्रेनेजिमिक एसिड है 500 mg और मेफेनेमिक एसिड है 250 mg। ये दोनों ही कंपोजिशन बहुत ही बढ़िया है। दोनों जो मेन प्रॉब्लम है मेनेस्ट्रल ब्लीडिंग और मेनेस्ट्रल पेन की, वो इन दोनों कंपोजिशन से बढ़िया से सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं बताऊं आपको कि ट्रेनेजिमिक एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लड को क्लोट करता है, उसकी ब्लीडिंग को रोकता है, और या तो ब्लीडिंग को बहुत कम कर देता है इसके अंदर ड्यू टू क्लोटिंग ऑफ ब्लड। और ये मेफेनेमिक एसिड है, इसका ये एनसेड है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि एबिडोमिनल पेन के अंदर काम आती है, पेन रिड्यूस करने के यूज होती है। ये दोनों कंपोजिशन है, तो इस मेडिसिन को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डोज की अगर बात करूँ इसमें, ये एक टेबलेट अगर आप लग रहा है कि मेनेस्ट्रल पीरियड के अंदर ब्लीडिंग अगर आपको इतनी हैवी नहीं है तो आप 1 टेबलेट पर डे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप इसमें जब भी टेबलेट यूज़ करें तो इसमें जो एक टेबलेट और दूसरे टेबलेट के बीच में गैप इक्वली रहना चाहिए, जिस दिन आपने पहले दिन लिए उसी दिन अगले दिन लें। या अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है तो दिन में 2 बार उसे यूज़ कर सकते हैं, या एज एडवाइज बाई द फिजिशियन, जैसे आपके फिजिशियन ने बताया हो उस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे बढ़िया इफेक्टिव इस मेडिसिन का देखा गया है खाने के साथ में, अगर खाने के साथ में मेडिसिन यूज़ किया जाए वाला तो काफ़ी इफेक्टिव है। कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है इस मेडिसिन के। ट्रेनेजिमिक एसिड की अगर मैं, ये टेक्साकाइंड एमएफ की अगर बात करूं तो इसमें मोटा मोटी जो साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बर्न की और इनडाइजेशन की समस्याएँ देखी गई हैं। और हैवी डोज ऑफ टेक्साकाइंड आल्सो कॉज द डायरिया। अगर आपको लग रहा है कि मेडिसिन खाने के बाद में आपको डायरिया, लूज मोशन की समस्या हो रही है, तो आप स्पेसिफिक मतलब हैवी क्वांटिटी के अंदर फ्लूड लें, वाटर लें, पानी पीते रहें कंटिन्यू, क्योंकि इसके कारण फिर डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो सकती है। और इसका और बड़ा साइड इफेक्ट देखा जाए तो लॉस ऑफ एपेटाइट, नेजल कंजेशन टाइप का भी इसमें
देखा गया है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, और जैसा कि मैंने इसका आपको यूज बताया, इसके साथ साथ इसे किसके लिए प्रोहिबिटेड है, कौन नहीं ले सकता। वैसे तो एल्कोहल के साथ ये मेडिसिन हमेशा अवॉइड की जाती है कि एल्कोहल के साथ ये मेडिसिन नहीं मिक्स की जाए। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन इसे ले सकती है, लेकिन फिजिशियन के एडवाइस के बाद, अगर इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट देख नहीं देखा गया ऐसा कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स के अंदर ऐसा कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट हो, तो वो अपने फिजिशियन की एडवाइस के बाद में इसे ले सकती हैं। और मेरा विशेषतः आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आप जब भी ये मेडिसिन यूज़ करें, अपना फिजिशियन से पहले कंसल्ट कर लें एक बार। ये मेरा वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए था कि इस तरीके से मेडिसिन यूज होती है। इसके साथ साथ कुछ मार्केट में और भी ऐसे कंपोजिशन की, सेम कंपोजिशन की मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे पोज MF, टनेक्जा MF, ट्रेपिक MF, क्लोस्टोप SRX करके इस तरीके की मेडिसिन है, लेकिन उनका कुछ MRP और रेट वगैरह ज़्यादा है एज कम्पेयर दिस टेक्साकाइंड MF के। कंपोजिशन सेम है सभी के, तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल हो, आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, विशेषकर मेनस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड मेनस्ट्रुअल पेन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।